कितने अमीर हैं असदुद्दीन ओवैसी? कितना पैसा है ओवैसी के पास? कितनी संपत्ति के मालिक हैं ओवैसी? ओवैसी की पत्नी के पास कितनी प्रॉपर्टी? असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति की वो शख्सियत हैं जो अपने तेज तर्रार और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ओवैसी वो प्रखर वक्ता हैं जो अपने धारदार लेकिन तार्किक बयानों से विरोधी नेताओं को छलनी कर दिया करते हैं। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर ये वैसे तो तेलंगाना राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन एक सांसद के तौर पर ये राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बखिया उधेड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। देश की राजनीति में एक धुर विरोधी और दमदार विपक्षी की राजनीतिक हैसियत रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इनके व्यक्तिगत पहलुओं से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनके परिवार, इनकी पत्नी और बच्चों के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ओवैसी कितने बड़े धन्ना सेठ या कितने ऋषि रिच हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के परिवार, पत्नी और बच्चों से जुड़ी बातों से पहले हम आपको बताते हैं कि ओवैसी आखिर कितने मालामाल हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 4 बार सांसद चुने गए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए शपथ पत्र के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी के पास कुल 17,90,44,376 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 1,82,94,376 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 15,97,50,000 रुपए की अचल संपत्ति है। 2019 के चुनाव में नामांकन भरते समय तक इनके पास 5 लाख रुपए कैश था, जबकि इनके, इनकी पत्नी और बच्चों के बैंक अकाउंट्स में उस समय 44,54,376 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब संभावित घटत या बढ़त भी हुई होगी। ओवैसी की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनके पास 5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी है। ओवैसी परिवार के पास अच्छी गोल्ड ज्वेलरी भी है। हलफनामे के मुताबिक इनके परिवार के पास कुल 20 तोले सोने की ज्वेलरी है, जिसकी कीमत उस समय 6,40,000 रुपए बताई गई थी। ओवैसी की अन्य संपत्तियों की वैल्यू 1,20,00,000 रुपए है। ओवैसी बंदूकों का भी शौक रखते हैं। इनके पास .22 की एक पिस्टल है जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए है, जबकि इनके पास एक राइफल भी है उसकी कीमत भी 1,00,000 रुपए है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पास कई रिहायशी मकान और इमारतें भी हैं। 2019 के हलफनामे के मुताबिक ओवैसी की सभी इमारतों और मकानों की कुल कीमत 15,97,50,000 रुपए बताई गई थी। इसके अलावा एक अन्य आवास के एडवांस के तौर पर उन्होंने 10,00,000 रुपए की अदायगी की थी। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। 2008 में अपने पिता के निधन के बाद ओवैसी इस सीट से चुनाव लड़े। इसके बाद लगातार यहां से वे जीत दर्ज करते आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पत्नी फरहीन ओवैसी हाउसवाइफ हैं। वह घर पर ही रहकर परिवार को संभालने का काम करती हैं। दोनों के 6 बच्चे, 5 बेटियां और 1 बेटा है। ओवैसी 3 भाई हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि इनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इत्तेमाद के संपादक हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।